जब दोस्त एक 30 साल का आदमी इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके फिर से पढ़ाई शुरू करके मेहनत करके इतना चीज अचीव कर सकता है, तो दोस्त हम और आप क्यों नहीं अचीव कर सकते। भाई आज मैं आपको 30 साल के डीईटी यादव जी की एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा, और जो ये स्टोरी है ना दोस्त, वो एकदम सच्ची है, एकदम सच्ची घटना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त मेरा नाम है सूरज और इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त ये बात 2015 की है। उस समय मेरे पॉलिटेक्निक कॉलेज से मेरा कैंपस प्लेसमेंट एक प्राइवेट स्टील कंपनी में हुआ था, और मेरे साथ साथ उस कंपनी में 29 और डीईटी का सिलेक्शन हुआ था। डीईटी मतलब डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, और मुझे मिला के टोटल 30 डीईटी हो गए थे, है ना। और ये जो 30 डीईटी में से कुछ डीईटी झारखंड से थे, कुछ यूपी से थे और कुछ उड़ीसा से थे। हम 30 के सिलेक्शन के बाद फिर एक कॉमन डेट को सभी को कंपनी ने अपने हेडक्वार्टर ज्वाइनिंग के लिए बुलाया, और हम सब वहाँ पहुँचे और एक दिन में ही हमारा ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर अगले दिन से हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, और ये इंडक्शन ट्रेनिंग 3 दिन तक चला। इंडक्शन ट्रेनिंग में उन्होंने हमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन बताए, हमारा क्या रोल रहेगा कंपनी में, हमें क्या काम करना है वहाँ पे, ये सारा चीज़ उन्होंने सिखाया। और साथ ही साथ ये बताया कि कंपनी में अगर हम काम करते हैं तो कंपनी से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये सारा चीज़ हमें इंडक्शन ट्रेनिंग में बताया गया। हमारा ट्रेनिंग एक हॉल में हो रहा था। हॉल के बीचों बीच एक राउंड टेबल था, और इस टेबल के 3 साइड, ठीक है, हम डीटीज बैठे हुए थे, और चौथे साइड पे सर थे जो हमें ट्रेनिंग दे रहे थे। ट्रेनिंग के पहले दिन ही हम डीटीज के बीच में बैठे एक ज़्यादा उम्र के व्यक्ति पे मेरी नज़र गई, ठीक है। और उन्हें देखते ही मेरे दिमाग में सवाल उठा, यार इतने ज़्यादा उम्र में ये डीटी के पोस्ट पे क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि उस समय डीटी की जो हम लोग की सैलरी थी वो 8000 सीटीसी था पर मंथ, मतलब कि काट कूट के सिर्फ 6000 ही इन हैंड आता, और इतने ज़्यादा उम्र में एज अ डीटी ज्वाइन करने का मतलब है कुछ ज़्यादा ही बड़ा समस्या उनके सामने होगा, इसलिए वो डीटी के पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हैं। ये बात मैंने अपने दोस्त को बताई, तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार ये कंपनी का जो ट्रेनिंग होता है तो इसमें कंपनी वाले कुछ अपने आदमी को बैठा देते हैं ताकि वो हमारा कैरेक्टर बिहेवियर को नोटिस कर पाए। तो मुझे भी लगा कि हाँ ये बोल तो सही रहा है, हो सकता है कि ये कंपनी के ही हों और हमारा कैरेक्टर देख रहे हों। फिर मैक्सिमम डीटीज ने उनसे थोड़ा दूरी ही बना के रखा ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है। और ट्रेनिंग के जब तीसरे दिन, जब ट्रेनिंग लास्ट दिन था, उस दिन हमें अपना डिपार्टमेंट और हॉस्टल अलॉट हुआ, और उसी समय उन्हें भी अपना डिपार्टमेंट और हॉस्टल अलॉट हुआ। तभी हम लोग कन्फर्म हुए कि नहीं, वो हमारी तरह एक डीटी ही है। उन्हें जो हॉस्टल अलॉट हुआ था, मुझे भी वही हॉस्टल अलॉट हुआ था, और उनका नाम था मुकेश यादव। अब आगे हम लोग उन्हें यादव जी कहेंगे, हम लोग प्यार से उन्हें यादव जी बुलाते थे, तो स्टोरी में भी मैं उन्हें यादव जी ही कहूँगा। दोस्त हमारा हॉस्टल के मेस में रात 8 बजे से ही खाना मिलने लगता था, और हमारा बैच का एक नियम था कि हम लोग साथ में ही डिनर करते थे, और इसी कारण यादव जी से मेरी जान पहचान हो गई। तो बातों बातों में मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि यादव जी आपका एज अ डीटी आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं इतनी उम्र में। तो उन्होंने पहली बार तो बात को टाल दिया, कुछ बताया नहीं। फिर कुछ समय बाद जब दोस्ती थोड़ी और गहरी हो गई, तब फिर मैंने पूछा कि यादव जी क्या बात क्या था, प्रॉब्लम क्या था, आप एज अ डीटी इतनी उम्र में क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर हंस के बात को टाल दिया, ठीक है। और कुछ समय बाद फिर मैंने उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट मोड में पूछा कि आखिर बात क्या था, आप इतना अधिक उम्र में अगर डीटी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, या तो सैलरी भी इतनी कम है। तब उन्होंने अपनी स्टोरी बताई। भाई उन्होंने बताया कि उन्होंने 10वीं के बाद फिटर ट्रेड में आईटीआई किया है, और आईटीआई करने के बाद वो करीबन 9 साल तक एक सीमेंट कंपनी में एज अ फिटर काम कर चुके हैं, और इसी दौरान उनकी शादी भी हुई और उन्हें एक 5 साल की बेटी भी है जो कि अभी काफ़ी बड़ी हो गई होगी। और जब वो सीमेंट फैक्ट्री में हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम कर रहे थे तो उसमें उस सिस्टम में बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी, बहुत सारे पुराने इक्विपमेंट लगे हुए थे जिससे उस सिस्टम पे बार बार ब्रेकडाउन होता था। तो इस बारे में उन्होंने अपने इंचार्ज को भी बताया, अपने मैनेजर को भी बताया, पर किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कुछ काम नहीं किया। हाइड्रोलिक सिस्टम में डिज़ाइन में कमी और पुराने इक्विपमेंट के कारण ये बार बार ब्रेकडाउन में चला जाता था जिससे जो प्रोडक्शन था वो इफेक्ट होता था। तो इसी कारण एक दिन जीएम हाइड्रोलिक सिस्टम को देखने के लिए आ गए कि इसमें क्या परेशानी है। तो उस समय यादव जी भी वहीं पे थे, क्योंकि यादव जी वहाँ पे लंबे समय से काम कर रहे थे और सारी सिस्टम को समझते थे और जानते थे कि कहाँ क्या कमी है जिसके कारण ब्रेकडाउन हो रहा है। तो यादव जी ने जीएम के सामने ये बात रखना चाहा कि साहब इसी कमी के कारण ये बार बार ब्रेकडाउन में चले जाता है, पर जीएम जो थे वो इनकी एक नहीं सुनते हैं और इन्हें ये बोल के डांट देते हैं कि तुम क्या मुझसे ज़्यादा जानते हो, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो जो मुझे समझा रहे हो। तो यादव जी को ये बात बहुत ही बुरा लगा, उन्हें बहुत अपमानित फील हुआ, और ये बात उनके दिमाग में घर कर गई कि तुम मेरे से ज़्यादा जानते हो और क्या मेरे से तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो। दोस्त मैं आपको बता दूँ, ये जो जीएम होते हैं ये किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सबसे हेड होते हैं। जीएम मतलब जनरल मैनेजर। जब जीएम ने ही यादव जी को इतना बड़ा बात बोल दिया और यादव जी
इससे काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए और एक बात यादव जी के दिमाग में घर कर गई कि क्या तुम मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो। इसी कारण यादव जी ने एक बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन लिया कि ये जॉब छोड़ने का और अपनी जो पढ़ाई है, जो ITI के बाद उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, उसे फिर से शुरू करने का। इस घटना के बाद यादव जी ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उस जॉब को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने लेटरल एंट्री से पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लिया और अपना जो डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो उन्होंने कंप्लीट किया। उनका डिप्लोमा कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था, और एज अ DAT उनका सिलेक्शन एक स्टील प्लांट में हो गया, स्टील कंपनी में, जहां हम लोग उन्हें मिले। भाई तुम सोच सकते हो कि यादव जी के लिए ये कितना बड़ा डिसीजन रहा होगा। एक तो उनका फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर था, उन्होंने पढ़ाई बहुत पहले ही छोड़ दिया था, और साथ ही साथ वो नौकरी जो था वो सिक्योर नौकरी था, पर उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने करेंट सिचुएशन को बदलने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये बड़ा डिसीजन लिया। जब ये सारी बात हम सभी DATs को पता चली तो हम सब के नज़र में उनके प्रति सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब यादव जी हम DAT की नज़रों में यादव जी नहीं रहे, अब वो सर हो गए थे हमारे नज़रों में। और दोस्त एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया कि अपने जो मुकेश यादव है इस कहानी के नायक, वो अपने UP इलाहाबाद से हैं। और दोस्त मैं आपको ये भी बता दूं, जो हमारे बड़े भाई मुकेश यादव थे, आज की डेट में 2022 में वो एक रिप्यूटेड कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं और जल्दी ही वो अपना सपना अचीव कर लेंगे GM बनने का। तो दोस्त तुमने देखा कि कैसे मुकेश यादव सर ने सबसे पहले टारगेट सेट किया, फिर स्ट्रांग डिसीजन लिया, फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क किया, और इन तीनों के सहारे उन्होंने अपने लाइफ की सिचुएशन को कम्प्लीटली बदल दिया। जब दोस्त एक 30 साल का आदमी इतना स्ट्रांग डिसीजन लेके फिर से पढ़ाई शुरू करके मेहनत करके इतना चीज अचीव कर सकता है, तो दोस्त हम और आप क्यों नहीं अचीव कर सकते। अगर दोस्त इंसान चाह लेना तो कुछ भी कर सकता है। दोस्त इस सच्ची कहानी से ये प्रूव होता है कि हमारे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने जो ओम शांति ओम में जो बात कही थी वो 100% सही है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। भाई जब तुम यहाँ तक आए हो तो तुमसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबाना। इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि इस वीडियो का जिसे जरूरत है उस तक ये वीडियो पहुँच जाए और उसकी हेल्प हो पाए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं करता हूँ समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।